तेंजिंग नीमा नहीं रहे। बिगलर्स ने लास्ट पोस्ट बजाई, मातमी धुन जो किसी सैनिक की शहादत में सम्मान और शोक का इजहार होती है। लेकिन तेंजिंग की यह शहादत हम सबसे कई सवाल कर रही है। जान से बढ़कर क्या हो सकता है जो कोई किसी को दे सके? तो सवाल ये कि तेंजिंग किसके लिए शहीद हुए, तेंजिंग ने यह किसके लिए किया? जवाब है देश के लिए। देश मतलब मैं, देश मतलब आप, देश मतलब हम सब। पर क्या चंद लोगों को छोड़कर हम में से ज्यादातर इस बात का एहसास भी कर पाते हैं कि किसी ने हमारे बने रहने की चाहत में खुद को पूरी तरह मिटा दिया? क्या हमारा दिल कुछ पलों के लिए ही सही रोता है, उस रियल हीरो के लिए रोता है जिसने हमारी सलामती के लिए अपनी जान वार दी? सोचिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन सोचिए, अगर शहीद के चले जाने पर हम उस एहसास के मातम की चादर कुछ देर के लिए नहीं ओढ़ सकते, अगर हम उस शहीद की मशाल को गिरने से पहले थाम कर उसको कभी न बुझने देने की कसम नहीं खा सकते, तो क्या हम अपने वजूद, अपनी पीढ़ियों के वजूद के लिए ही खतरों को न्योता नहीं दे रहे? क्या हमको महत्व के हिसाब से मुद्दों को, खबरों को, संकल्पों को प्राथमिकता देना आता है? इन सवालों को खुद से पूछते हुए आइए एक बार फिर श्रद्धांजलि दें अमर शहीद तेंजिंग नीमा को और नमन करें भारत मां पर जान लुटा देने की इस गौरवशाली परंपरा को। यहां आपने देखा तेंजिंग को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ थी, तिब्बत के लिए इंसाफ चाहने वालों की भीड़, भारत मां से प्यार करने वालों की भीड़। लेकिन हम में से अधिकांश इतने निष्ठुर हो गए हैं कि हमको लगता है कि सरहद पर जो कुछ हो रहा है वो तो एक रवायत है, रवायत के तरह होता रहता है। वहां लोगों का जाना, लोगों का ड्यूटियों पर तैनात होना, उन जगहों पर ड्यूटी पर तैनात होना जहां किसी का कुछ लम्हों के लिए जीना मुहाल हो जाए, वहां महीनों तक तैनाती रहना और किसी का शहादत को प्राप्त हो जाना, ये हमारे लिए एक रवायत सी बन गई। और हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि कुछ पल रुककर भी ये नहीं सोचते कि उसने वो शहादत, वो सुप्रीम सैक्रिफाइस किसके लिए दी है? हमारे लिए, आपके लिए दी है, ताकि हम अपनी जिंदगियों को, डे टू डे रूटीन को वैसे ही चला पाएं जैसा हम चलाने के आदि हो गए हैं, ताकि रात में हम उसी आराम के साथ सो पाएं जो हम चाहते हैं और दिन में उठने के बाद अपने कामों को उसी खूबी और आराम के साथ अंजाम दे पाएं जो हम चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे लिए जिंदगी में दूसरे तमाम मुद्दे अहम हो जाते हैं। कुछ देर के लिए कर्सरी कहीं कान में पड़ गई खबर, दो मिनट रुककर सुन लिया, बस इसके अलावा कोई एहसास नहीं, कुछ महसूस नहीं करते हम सब। इंसाफ आप ही करेंगे, फैसला आपका है। एक तरफ देश का एक बेटा है जो अब नहीं है, देश का बेटा है जो अब नहीं है, और उसकी वजह से बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनको आप नाम से जानते हैं, इन किरदारों को आप इनके नाम से पहचानते हैं, जानते हैं आप सैमुअल मिरांडा कौन है, सिद्धार्थ पिठानी कौन है, संदीप सिंह कौन है, आप जानते हैं, चेहरों के साथ जानते हैं। आपको कोई फोटो लाकर दिखाए आप बता देंगे कि ये मीतू सिंह है, ये तो सुशांत केस से जुड़ा हुआ एक किरदार है, ये दीपेश सावंत है, आप बता देंगे कि उनके घर में क्या काम करता था, इसकी अहमियत उसमें क्या है, आप बता देंगे कि शौविक चक्रवर्ती
शौविक चक्रवर्ती की क्या भूमिका है, आप बता देंगे कि शौविक को किस मामले में लिप्त पाया गया और इस वजह से उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने साथ ले गई। आप जानते हैं कि किन किन एजेंसीज के हवाले ये जांच का जिम्मा है, ये पूरा मामला सुपुर्द है सीबीआई से लेकर एनसीबी से लेकर तमाम ईडी से लेकर तमाम ये जो एजेंसियां हैं इसकी जांच कर रही हैं। इन सभी चेहरों, इनके किरदारों, इनकी भूमिकाओं, इस पूरे मामले से आप पूरी तरीके से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन अब ये चेहरे देखिए, इन चेहरों ने आपकी सुरक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए ठीक एक दिन बाद 14 तारीख को सुशांत ने खुदकुशी की या जेरे जांच है कि उसने उसकी हत्या की गई, और यहां इन लोगों ने हमारी आपकी सुरक्षा के लिए एक दिन बाद सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दी, अपने जान आप पर वार दिए। इनमें से कितनों के नाम जानते हैं, कितनों के नाम, सिपाही कुंदन झा, सिपाही अमन कुमार, कर्नल संतोष बाबू, हो सकता है कुछ लोग जानते हों। लेकिन कर्नल संतोष बाबू, इस किरदार के पीछे क्या कहानी है, कितना बड़ा बच्चा है, बीवी पर क्या गुजर रही है, किसने मुखाग्नि दी, और अब परिवार का क्या होगा, कितने लोगों को इस बात से कंसर्न है, कितने लोग इससे वावस्ता है, कितने लोग जानते हैं नायक दीपक सिंह, हवलदार के पलानी, हवलदार सुनील कुमार, हवलदार विपुल कुमार कौन हैं? क्या आप इनके चेहरों के साथ इनके नाम से वाकिफ हैं? मैं गारंटी से कहता हूं कि हो सकता है कि ये 130 करोड़ के देश में मुमकिन है 5-10 लोग इन नामों से, इनके चेहरों के साथ वाकिफ हों। जहां ये लोग काम कर रहे थे वहां सेना के जो इनके ऑफिसर्स हैं वो इन्हें जानते होंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त हम तमाम लोग जिसके लिए, जिनके लिए इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कितने लोग इन नामों से, इन किरदारों से, इनकी कहानियों से वावस्ता हैं? एक तरफ वो बेटा जिसके नहीं रहने का दर्द है, हम सबको दर्द है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ, जितने कंसर्न और जिस शिद्दत के साथ हम इस पूरी की पूरी कहानी को जानते हैं, क्या इस कहानी को भी उतनी ही शिद्दत के साथ जानते हैं? आप तय कीजिए किसके साथ होंगे आप। दिमाग पर जोर डालिए। 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी की थी, मैंने बताया आपको। 15 जून को गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए। दोनों घटनाओं को करीब 2.5 महीने का वक्त हो गया। एक ही दिन पहले घटी सुशांत की घटना से जुड़े किरदार के हर घर में हर किसी को उस बारे में पता है। रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, सब जानते हैं। लेकिन गलवान घटना में शहीद हुए जवानों में कर्नल संतोष बाबू ही याद होंगे, वो भी कुछ लोगों, हर किसी को नहीं होंगे। सच मानिए, ऐसा है और ऐसा होना हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। अगर आपको गलवान के एक भी शहीद का नाम याद नहीं है तो धिक्कार है। अगर आपके लिए 138 करोड़ हिंदुस्तानियों में एक रिया की कहानी आपको प्यारी है तो मैं आपको पसंद नहीं करता। सच यकीन मानिए, जब आपको अपनी बेटी के लिए चॉकलेट ना ले जा पाने का मलाल है, तब सरहद पर तैनात एक पिता ने अपने बच्चों का चेहरा साल भर से नहीं देखा, जब एसी वाले बेडरूम में भी आपको नींद नहीं आ रही है, तब 15,000 फीट के बर्फीले रेगिस्तान में तैनात जाबाज को पलक झपकाने की भी इजाजत नहीं है, जब आप वीकेंड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवार का कोई प्लान बनाते हैं, तब हाल ही में परिणय सूत्र में बंधा 22 साल का जवान लद्दाख जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा है। हम तो अड़ेंगे अपने इन मुहाफिजों के लिए, हम लड़ेंगे कि ये रियल हीरो हमारे लिए सबसे पहले होने चाहिए। लोग अड़ी को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म्स में कई बार उल जलूल तुकबंदी बनाकर छड़ी झड़ी घड़ी तड़ी बनाते हैं, पर हमारी यही जिद है जिसके चलते हम लगातार इस दुनिया और देश के सबसे बड़े खतरे चीन और पाकिस्तान से एक दिन के लिए भी नहीं हटे। इसीलिए ये आपके सबसे अहम मुद्दे पर भी आपका ध्यान खींचता हूं मैं कि ये अड़ी है, आपकी अड़ी है और अड़ी रहेगी। अगर आपकी आदत, नियत, फितरत समर्पित है बस उनके लिए जिनसे आपका सीधा सीधा रिश्ता है, तो याद रखिए, एक देश के तौर पर हमारी इन्हीं कमजोरियों ने
हमें कई सौ सालों तक गुलामी की जंजीरें दी हैं। विचारों और संवेदनाओं की इन्हीं सक्रिय गलियों से बाहर नहीं निकल पाने की वजह से हमारा देश वहां नहीं है जहां उसे सदियों पहले पहुंच जाना चाहिए था। फिर भी आपके लिए रिया की कहानी अहम है, तो आपको आपकी पसंद मुबारक। आप हमें हमारी गलत प्राथमिकता के लिए गाली भी दे सकते हैं, लेकिन हम तो गले लगाएंगे। देश के हर सपूत को, हर देशभक्त को, आप रिया की कहानी देखें, हम अपने जाबाजों का शौर्य देखेंगे। जय हिंद।